When I was 20, I was stressed about getting a job. When I was 27, I was stressed about finding a life partner. Now I'm 31 और मेरे पास जॉब भी है और मेरी शादी भी हो चुकी है, but stress levels all time high पर है. मेरी वाइफ अपर्णा और मैं एक रेगुलर वर्किंग मिलेनियल कपल है. और हर एक रेगुलर वर्किंग कपल की तरह हमारी लाइफ में भी भजड़ की कमी नहीं थी. We had simply accepted stress as an unavoidable modern evil. Until one day when one of my friends Kyra had come over to my place for coffee and उसने मेरे साथ कुछ बहुत ही surprising share किया. Seriously, Appy, I'm just fed up of money problems. So damn stressful. I mean, Gurgaon mein to rent takes up almost 70% of my salary. Uske alawa other necessities like coffee, Zara coats, bags eat up remaining of my salary. God, I so wish I had more money. But abhi job market bhi theek nahi hai, so I can't switch. But I hate my current job. In fact, Appy, I hate my life. I mean, I wish I could just date somebody rich. I was very confused. Kyra is hardly 25 और उसकी complaining मुझे काफी relatable लग रही थी. एक stressed out इंसान दूसरे stressed out इंसान की frequency immediately feel कर लेता है. But it was only later that night while chatting with Mani जब मुझे एक जबरदस्त insight आई. यार मेरा सारा portfolio आज red में चला गया है यार. जिस stock में पैसे डालता हूँ वो depreciating क्यों बन जाता है? Mani. हाँ. Mani. क्या बोल रही है? अरे मनी मतलब कैश. इवन वी वांट मोर मनी. हम भी कायरा की तरह हैं. और अपर्णा ने मुझे अपनी कायरा के साथ हुई हुई मीटिंग के बारे में बताया. क्या पर एपी हम तो कायरा से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं. एग्जैक्टली. और हम तब भी स्ट्रेस्ड हैं. लगता है स्ट्रेस हटाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा. और लग तो ऐसा ही रहा है. हाँ पर कितना? मनी तेरा कजन है ना रघु? हाँ. उससे पूछते हैं ना. मेरा कजन रघु एक स्मॉल बिजनेसमैन है जो मटन समोसे बेचता है. एंड ही इज अपेरेंटली मेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी. तो हमें लगा कि रघु हमें डेफिनेटली बता सकता है कि कितना पैसा कमाने के बाद हम एकदम चिल हो जाएंगे. तो हमने उसे वीकेंड पे डिनर पे बुला लिया. बट उससे बात करने के बाद हम और कंफ्यूज हो गए. पाजी पैसा सब कुछ नहीं होता. आप दोनों को समझ नहीं है लाइफ की. यार अब तू भी बेटी देगा तो हमारा क्या होगा? पाजी पैसा की फायदा जब मुझे अपनी पसंद की कुड़ी नहीं मिल सकती. ओ पाजी बाबी जी मुझे चाहिए शहरी सोफिस्टिकेटेड टिप टॉप मॉडर्न कुड़ी. बट जिथे भी जाओ गंबल किंडर दे ऑल थिंक आई एम टू देसी. इन रियलिटी दे आर ऑल शैलो. और दूजी तरफ मम्मी जी. बुआ जी? ओ हाँ यार आपकी बुआ जी. और पता नहीं कितों कुड़िया लग के लांदी है. उनका ना बस एक है विवाह हो जाए बस मेरे मुंडे का. ओ क्यों करूँ मैं विवाह किसी यारी गैरी कुड़ी नाल? गिव मी वन गुड रीजन. स्ट्रेस क्रिएट कर रखा है बस. हमारे पैसे वाले क्वेश्चन का तो रघु ने कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया. ऑन द कॉन्ट्ररी उसने हमें और स्ट्रेस में डाल दिया. ऐसे लगने लगा था कि हमारी इनिशियल थ्योरी ही सही थी कि स्ट्रेस एक मॉडर्न बीमारी है जो कि सबको है. मोर इम्पोर्टेंटली ऐसा लग रहा था कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं. एनीवे तो क्योंकि रघु मेरा कजन है तो मुझे उसका स्ट्रेस कम करने का एक आइडिया आया. यार हैप्पी. हाँ. एक बात बता. वो जो तेरी फ्रेंड कायरा है वो सिंगल है? कह तो रही थी कि कोई अमीर बंदा मिल जाए डेट करने के लिए तो बेस्ट है. ओके आई नो दिस विल साउंड वियर्ड. देखिए यार रघु अमीर है कायरा सोफिस्टिकेटेड है. दे बोथ वांट पार्टनर्स लाइक ईच अदर. तो तू कहना चाह रहा है कि मैं रघु और कायरा को एक साथ सेट कराने की कोशिश करूं? आइडिया बेकार लगे तो कोई बात नहीं. बट इट्स अ ग्रेट आइडिया. सही में? हाँ. एंड व्हेन दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर देन रघु एंड कायरा शुड लॉजिकली बिकम स्ट्रेस फ्री क्योंकि उन्हें वो मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए. सो इट कैन बी अ सोशल एक्सपेरिमेंट. यार क्या सोशल एक्सपेरिमेंट है? आई जस्ट वांट माय कजन टू बी हैप्पी. हां हां खुश तो वो हो ही जाएगा. मैं कायरा से कल बात करती हूं. तो बस मैंने नेक्स्ट डे ही कायरा से फोन पे बात की एंड सून दे वेंट ऑन देयर फर्स्ट डेट. एंड दे स्टार्टेड डेटिंग इवन सूनर. 2 महीने निकल गए. हमारी लाइफ एकदम पहले जैसे चल रही थी. वही भसड़ वही स्ट्रेस सेम मॉडर्न डे लिविंग. पर हमें लग रहा था कि कम से कम रघु और कायरा की लाइफ तो सेट हो गई थी. बट वी वर इन फॉर अ शॉक व्हेन वी गॉट अ सरप्राइज विजिटर वन नाइट. अबे क्यों है यार ये रोहित शर्मा कैप्टन? इस टाइम कौन आ गया? एप्पी आई जस्ट थॉट आई शुड लेट यू नो रघु एंड आई ब्रोक अप सम टाइम बैक. कायरा यू कुड हैव जस्ट कॉल्ड मी. आई नो बट आई वांटेड टू लेट यू गाइस नो पर्सनली. मानव आई नो ही इज योर कजन. आई मीन मैं क्या बताऊँ. ऑल ही टॉक्स अबाउट इज मटन समोसास. लाइक इट्स ओके आई नो यू सेल देम फॉर अ लिविंग
But I don't want to listen about them and how they're made 24/7. I mean, no hard feelings, Manav. I know he's your cousin, but he's just obsessed with samosas. और ऑफेंड हो जाते अगर उसकी बात ना सुनो तो आई मीन कैन यू बिलीव इट अ कपल फाइटिंग ओवर ब्लडी समोसास आई मीन द रिलेशनशिप वाज गेटिंग सो डैम डिमांडिंग मेरी थोड़ी फटने लगी थी रघु की मॉम यानी कि मेरी बुआ जी शी हैज ऑलवेज हैड वेरी बैड टेंपर इश्यूज और अगर उन्हें पता चला कि कायरा वाले मैच में मैंने रघु को फंसाया है तो वो तो मेरी क्लास लगा देती सो आई हैड टू टेक एक्शन इमीडिएटली और मैं रघु से उसी टाइम मिलने चला गया ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਟ ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੱਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ ਮਟਨ ਸਮੋਸਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੈਸ਼ਨ ਮੇਡ ਮੀ ਰਿਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਲੇਕਰ आप सोचो बेस्ट तो ये ना होता कि कायरा और मैं मटन समोसे बेचकर मेरे धंधे को आगे बढ़ाते खैर ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी मेरी बट थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी ना वो ऐसे मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड और शहरी होने का फ़ायदा क्या जब मुझे समझे ही ना वो यार मुझे तो लगता है ये सारी भसड़ा ना ये दिमाग ही मचाता है अच्छे खासे रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए ये सारा लोचा ना इसी का रघु की बातें सुन के ना एकदम से मेरे दिमाग में घंटी बजी मुझे शायद हमारे स्ट्रेस का रूट कॉज समझ में आ गया था बट आई नीडेड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद अपर्णा टू क्लियर माय थॉट्स सो दैट्स द एंड ऑफ अ सोशल एक्सपेरिमेंट रघु एंड कायरा का ब्रेकअप हो गया है एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन लाइफ भसड़ है स्ट्रेस इज अ कॉन्स्टेंट एंड यू कांट डू एनीथिंग यू अग्री ना या आई अग्री विद एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि लाइफ भसड़ है हाउ See, don't you think that Kyra and Raghu were already set and they created their problems? Created? Yeah, matlab un dono ke minds mein kuch ideas the, jaise ki zyada paise milne se ya fir koi ideal partner milne se unki sari problems solve ho jayengi. Haan, true. You're right. They were just ideas. Haan, so don't you think that they were better off the way their lives were? Toh matlab, to begin with, problem thi kahan? Exactly, where was the problem? मनी अगर वो प्रॉब्लम ही नहीं थी तो स्ट्रेस भी तो नहीं होना चाहिए था ना यार एपी एग्जैक्टली मैं यही मेरे को समझ में आया था बट मैं इसको वर्ड्स में नहीं डाल पा रहा था तो तू बता यार फिर लाइफ क्यों है बसड़ कहाँ है बसड़ यस यस आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग हां वाइन की बॉटल खोलते हैं और आराम से बात करते हैं कोड क्रैक फाइनली चल आई होप सो स्ट्रेस खत्म करने का कोड कोई सुपर फैंसी सुपर कॉम्प्लिकेटेड प्रवचन नहीं है बस एक सिंपल रियलाइजेशन है कि स्ट्रेस का रूट कॉज बस अपनी प्रेजेंट रियलिटी से भागना है Maybe our brains are wired to constantly want the reality to be different from the way it is. Chahe wo Raghu ho, ya Kayra ho, ya Mani ho, ya main hoon, ya aap ho. Stress is always a result of being at conflict with reality. So if we can become aware of this basic truth and learn to accept our life the way it is, then we'll realize that life has already a lot of surprises lined up for us. Aur hame universe roz hamari expectations se bahut zyada deti hai aur deti rahegi. Kya lagta hai? So guys, if you enjoyed this episode, then you'll love our course, The Art of Adulting Happily. Guys, we have sold more than 400 copies and we'll increase the prices as soon as we sell our 500th copy. So if you're in your 20s or early 30s and want to enjoy happy and fulfilling relationships and a professional career that you would love. Toh, iska ek tarika hum aapko apne course mein batayenge. The link is in the description section below. We'll see you guys next week. Bye-bye. Take care.